ये रही इसकी पतंग, ये एक हाँ हाँ कहा चगाता है उन्नी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज है उत्तरायण, तो देखते हैं अब मेरे दोस्त के घर पे जाऊंगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पे छत तो है बट सीढ़ी नहीं थी, तो वो मंगाई थी। तो पर अब ज्यादा कोई आएगा इधर चकाने तो है नहीं कोई यहाँ पे, तो मेरा भाई राजू ही है और मम्मी भी है और ज्यादा कोई तो कुछ चकाने वाला है नहीं। तो मैं सोचा दोस्त के घर पे जाते, तो गौरव भी उधर ही जाने वाला है और उमर बोल के भी एक मेरा दोस्त था, तो उनके घर पे मतलब उन लोग के दोस्त के सब साथ में जाने वाले हैं। वहाँ पे एक सचिन नाम का लड़का है जो दोस्त है हमारा, तो उसके घर पे जाने वाले सब चकाने पता। तो मैं भी सोच रहा हूँ, उनने बुलाया मेरे को तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग ही बना देते हैं मस्तन। तो उधर ही जाने वाला हूँ, फिर वहां से फिर पतंग चका के फिर दोपहर को या 1-2 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा इधर। और यहाँ पे मेरे जीजा के साथ वहाँ पे उनका फ्लैट है यही पे बाजू में, तो उधर जाके मैं देखूंगा वहाँ पे चकाना है तो पतंग चकाऊंगा मैं साथ में जाके। तो अभी मैं अभी नहाना बाकी है, तो नहा के फिर तैयार होकर फिर मैं निकलूंगा सीधा। तो मेरे पास साइकिल तो है नहीं, तो मेरे जीजा के साथ मैं जाऊंगा वो एक्टिवा बैठ के वहीं पे। तो और मम्मी यहाँ पे अभी काम कर रही है, तो मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है, ये रही बैठी हुई। और ठंडी का जबरदस्त है, टोपी ओपी पहनी हुई है। और दीदी आप और दीदी इधर ये कपड़ा क्या कहते हैं खाना बना रही है यहाँ पे, तो खिचड़ी विचड़ी अभी डुंगरी काटेगी। तो ये दीदी को पहली बार आप देख रहे होगे इस व्लॉग में, तो ये केरला वाली हमारी दीदी है। यहाँ पे नहीं रहती ये दीदी, ये दीदी केरला ये दूसरी जगह मतलब केरला में रहती है। अभी उत्तरायण और ये सब त्यौहार आया था इसलिए इधर आए थे, तो मतलब ज्यादातर नहीं ये कभी कभी आते वहां पे केरला से, तो कौन रोज रोज का मतलब आएगा मतलब इसके लिए। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ फिर तैयार होके, चलो बाय। तो गाइस मैं तैयार हो गया एकदम कंप्लीट अच्छे से, तो देख लो ये रेड कलर का शर्ट पहना है और ये एक पैंट है जो कि जीन्स बोलते हैं स्किन कलर का, तो काफी अच्छा सेटअप है देख लो। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, तो पहले मैं जीजा के घर पे जाऊंगा यहाँ से, और वहाँ से एक कोड़ी पतंग या तो कितनी भी पतंग लेके मैं जाऊंगा उमर के मतलब दोस्त के घर पे। चलो आपको सीधा वहीं पे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने पतंग ले लिया है मेरी दीदी के पास से, तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ गौरव के वहाँ पे घर पे। तो अभी बैठा हुआ ही था क्योंकि मेरे जीजा भी काम में गए थे, तो अभी उनके साथ एक्टिवा में बैठ के फिर मैं जाऊंगा। ठीक है बाय। ओ भाई साहब पतंग ही पतंग चकाने के लिए पहले से व्लॉग चालू मत कर। कर दूंगा नहीं कर दिया। देखो गाइस छपरी यूट्यूबर्स पतंग चका रहे हैं। एक मेनू में तू यूट्यूबर है, हम यूट्यूबर नहीं है, छपरी तू है। कट गए गाइस, मैं आया कट गए पतंग लोग की। तू बनाती है इसके लिए गाइस यार खतरनाक है, इतना बड़ा छत है यार। ओ साहिब। हेलो गाइस, अभी मैं एक बात करना चाहता हूँ उन्नी को फिर की। देखो पतंग थी ये देखो ब्लैक दिख रहा है ऊपर से, तो ब्लैक है। इस साइड भी आ देखो, काला गोरिल्ला काला वे पूरा दिख रहा है, कोई दिख रहा ही नहीं है। हाँ अभी दिखा, तू वाइड एंगल किया क्या? वाइड एंगल लग रहा है, वाइड एंगल ही वाइड एंगल से हटा तो थोड़ा अच्छा है। वाइड एंगल भाई हमको हटाना नहीं आता। देखो लुंटनिया यूट्यूबर लुंटनिया। गाइस अभी देखते हैं ये वाली पतंग चकाते, तो एक साल बाद मैं पतंग को हाथ लगा रहा हूँ यार, तो उससे भी ज़्यादा भी हो गया होगा। तो पहली बार ट्राई मतलब बहुत दिन साल बाद मैं पतंग को छू रहा हूँ, तो चकाते एक बार। उन्नीस मोजिला उन्नी और ये देखो फिरकी का जुगाड़, देखो हमने का करके ना खाए फिरकी का।
लाल वाली चली गई। चलो बाय गाइस। तो कट जाएगा तुम्हारा हाथ पैर जो थोड़ी आयो पतंग जगाओगे इसमें चालू कैमरे में ऐसे पलटता नहीं है। कहाँ है बटन का है ये सचिन तू कौन सी जगह है ये सीधी। तो गाइस अभी मैं चकाई थी जो पतंग थी वो सबसे ऊपर ये कहाँ गए ये सबसे ऊपर वो फुग्गा है भाई सब कहाँ गया दिख भी नहीं रहा। कैमरा का गाइस कितना जूम करूँ मैं सिल्वर कलर की रुको गाइस आपको बताता हूँ ये रहा आपको थोड़ी ब्लर दिख रही होगी गाइस ये रही जो पतंग है वो चक रही है। गौरव भैया चका रहा है पर चकाया गाइस पहले मैंने था उसके बाद फिर उमर ने पकड़ा फिर उमर के बाद ये गौरव ने हाथ में खाली लेके पकड़ा हुआ है काटना तो आता नहीं है खाले कटा देखो भाई खींच के सर आए गली गई साले गई अपनी यहाँ बोरी भैया चका रहे हैं ये बटाला बोरी बोली। तो गाइस ये जो भैया है ये भैया का छत है भैया थोड़ा हाई कह दो हाय इसकी भाया की पतंग वो चकरी तितली वाली कहाँ गई ओ भाया हाँ ये रही ओए भाई ओए भाई ओए ओए किसकी धोरी आ गई यार बीच में पीछे वाले की। तो ये पिंक कलर की कुछ है हाँ पिंक कलर की धोरी से चका रहा है भाई साहब की गई गाइस पतंग तो वो रही जा रही है अभी पीछे से गाइस पतंग कोई आ रही तो देखते अपने पकड़ते ए गौरव देख ब्लू कलर की आई है गौरव पतंग आई अरे पतंग आई मस्त नहीं यार मस्त है पतंग मैं ले लेता हूँ भाई मस्त है यार चकाना इसको चका दे गाइस ये अभी वहां से सामने से आई है पतंग और भी कितने सारी आएगी यहाँ पे भैया कितने ही बनाते हैं अरे बहुत बनाता हूँ मैं तो भैया क्या कर रहा है भाई तू ये भाया भाया मत बोलो गाइस मैं लगभग 3-4 पतंगें चका दी पर कटती जा रही है मजा नहीं आ रहा है मजा तो आ रहा है बट कटते जा रही है पतंगे उनका कैमरा नो एंट्री चुप सट्टा भी और माओ अरे खुशी क्या किया इसने तो अभी 2-3 पतंगे मैं चकाते ही जा रहा था बट कटते जा रही थी और 2-3 चकी 2-3 कट गई और मैंने 2-3-4 पेज काटे मैंने तो फिर बाद में तो फिर कटने लग गई सारी पतंगे अभी देखते हैं दूसरी पतंग करिए तो ये ब्लू वाली क्या सही है मास्टर पतंग का भले केरला वाला हो ये डब्बा है वो इसका बात मत ध्यान देना ये देखो उन्नी की पतंग देखो खाली मेरे को कैमरामैन बना दिया है मैं इसके वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने बोला भी था यार इसको कैमरामैन बनाना है तो फिर बनाना ही पड़ेगा ना और क्या करें एक्टिव में आया था मैं डीजल छोड़ा था इसके लिए शाम को जाएगा हाँ ए गाइस पतंग आई पकड़ जल्दी 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 बहुत लंबी ढोर है पोपट पोपट हो गया बिचारे के पास जिससे आ गया ये दूसरे की डोरी है चल नीचे पतंग लेके आता अरे ऊपर उसकी ऊपर पतंग गई थी डोरी के ऊपर ले उन्नी ब्लॉग बनाते बनाते ले जाते हम दोनों पतंग लूट के आते हैं जा लूट के आओ अरे मतलब देख के आते हैं नीचे नीचे हो गए इसके लिए हम जाते हैं अभी हम जाते हैं पतंग लेके आते हैं अभी हम पतंग लेने आए देखते हैं कहाँ मिलती है कि नहीं मिलती आपको दिखाता हूँ अभी चलो देखो गाइज एक तो इधर ही मिल गई है ये रख चल अंदर उधर इसको अभी बाद में लेके आते हैं ये देखो इधर पतंग पहले इधर आ गई है ये देखो इधर पतंग ये पतंग ही पतंग है
अभी ये सारी पतंगें लेके हम जाते उन्हीं के पास, फिर आपको बाद में मिलते, ठीक है, बाय। तो देखो गाइस कितनी पतंगें ली है, देखो इस किसके हाथ में भी देखो और मेरे हाथ में भी देखो, इतनी सारी पतंगें पड़ी थी। और अभी हम छत पे जा रहे हैं वापिस से पतंग चगाने के लिए, सचिन और मैं। बोल तो सही, मैं भी पहले ऐसे शर्माता था पर अब नहीं शर्माता, मतलब फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम है इसके लिए। हाँ मैं भी जल्दी खोलूंगा यूट्यूब चैनल। गाइज आप भी देखना, मैं अभी यूट्यूब चैनल चालू तो नहीं कराए लेकिन जल्दी चालू करेंगे, बाद में करेंगे पर ये पास दसवीं के बाद ही करेंगे पर। लेकिन उन्नी के वीडियो में भी मैं भी पहले अवेले आता था तो मैं भी शर्माता था, आपने देखा ही होगा। तो ठीक है अभी छत के ऊपर जाते फिर आपको मिलते, बाय। हाँ गाइज इतने सारे पतंग लेके आए, उन्नी का रिएक्शन क्या है देखते हैं अभी। उन्नी रिएक्शन बता कितने सारे हैं आपको अच्छा लगे तो डाल देना ब्लॉग में, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई बात देखो अभी उन्नी कैसी पतंग चगाता है देखते। ये रही इसकी पतंग, किसकी कटी, हाँ हाँ कहा चगाता है उन्नी। ए लपेट गए 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 बड़ा घर है गाइस ये देखो, ऊपर ये अपने छत से भी आए थे वो वाला है। चलो पहले पानी पी लेता हूं। गौरव आया, गौरव उन्नी हमारा दारू पीने जा रहा है। हां धो सकता है, धो सकता है, बोले मैं आपको ले ले लिए ना, पी के देख ले यार भाई, पी रहा है सारा, पी ले ओ ठंडा ही करना, पीने के बाद आना, तो आधा ना इसको मत टूटना। तो गाइज अभी मैं ये से आया था ना, आपको पता अभी पतंग हम चका रहे, वापिस हम आ गए, उमर और वो गौरव वहाँ पे बैठे हुए, ये रहे दोनों जन पतंग चका रहे। तो अभी सचिन और मैं इधर पतंग चका रहे, तो इसका जो छत है देख लो कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि ये सोलर बैनर है, हमने देखा होगा अपने बड़े बड़े जो होटल होते हैं, जो थिएटर जो होते हैं उसके ऊपर सब लगे होते हैं सोलर बैनर, तो पहली बार मैंने देखा इसके ऊपर और मैं एकदम, तो ये सोलर बैनर है देखो गाइज काफ़ी अच्छे से, ये पूरा यहाँ से एक ये सोलर पैनल है और एक तीन है ऐसे, ये दिख रहा है आपको तीन सोलर पैनल यहाँ से पूरे लगे हुए हैं। तो पहली बार सॉरी सॉरी भाई, ये पतंग चगा रही है सचिन की बहन, तो मैं फिर की पकड़ा भी ना ब्लॉग बना रहा हूँ। ये सचिन ने कहा इतनी ऊंची पतंग पकड़ी हुई है अभी, ये रही बहुत ऊंची गई, मैं दिखा भी नहीं सकता कैसे बताऊँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मेरा गाइस पता नहीं कहाँ गई, जान देते तो खत्म पकड़ी हुई सचिन ने, वही चका रहा अभी भैया। पकड़ी मैंने थी, चका रहा ये। अरे कोई बात नहीं कह रही हूं। ए ए ए ए काटी 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 खींच 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 खींच
गौर हो रहे उधर ही खड़े उस बाजू खड़े हो लो और हम लोग ये वाले छत इधर से हट जा हाथ कट जाएगा तेरा बोलो पेट गाइस पतंग जा रही ओ भाई फट गई ओ गाइस पतंग पकड़ ली मैंने ओहो ये रही गाइस वहां पे पतंग पकड़ी कैमरा पकड़ मोबाइल पकड़ भाई साहब गंदा नहीं पता ये गाइस सबसे बड़ी पतंग पकड़ी हां सबसे बड़ी ब्लैक कलर की गाइस कहां गई ये रही बड़ी पतंग पकड़ ली गाइस बहुत ज्यादा बड़ी उमर को दी उमर चका रहा है मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए कट ना जाए देखना उमर अरे उतार यार मस्त है यार हाँ उतार दे अच्छी है पहन दे फट गए ओ भाई साहब फट गई पतंग फट गई बेचारी बोले मुझे किसी के साथ नहीं रहना है सचिन भैया और उमर भैया की दोनों पतंगें फट चुकी है सचिन की फट गई पता है दोरी खत्म ना हो जाए देखना वो हो रहा ले जा जितना तो गाइस इसके बाद मैं सीधा घर पे चला गया था क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ पे मैं जल्दी निकलना था इसके लिए तो चलो फिर मैं आपको सीधा घर पे जाके मिलता हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही है तो मैं सीधा अभी घर पे कल आया था और सीधा जाके मैं सो गया मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था ये वाला जो मेरा हैंड है बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि बहुत कम पतंग वतंग चकाई थी और बहुत ही ज़्यादा खींचा मतलब खींच रहा था मैं पतंग से तो बहुत ज़्यादा हाथ दुख रहा है मेरा और थोड़ा हेडेक भी हो रहा है तो मैं सीधा जाके सो गया था। तो बस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया थोड़ी बड़ी बनी है बट थोड़ा बहुत से मैंने रिकॉर्ड किए थे तो इसलिए थोड़ी बड़ी बनानी पड़ी तो आए हो आपने पूरा ही वीडियो देखा होगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। ये डालने वाला तो देख लेना। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग।